बड़वानी जिले के ठिकरी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह पटेल के पक्ष में मतदान करने की अपील के साथ आम सभा को संबोधित किया। शिवराज सिंह ने अपने उद्बोधन में ठिकरी की मुख्य समस्या नगर परिषद से शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक देवी सिंह पटेल ने ठिकरी को नगर परिषद बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। हमने उनकी लगन और यहाँ की समस्या को देखते हुए ठिकरी को नगर परिषद बनाने की प्रक्रिया पूरी की। शिवराज सिंह ने बताया कि प्रदेश की हालत खराब कर दी है, बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, महिलाओं को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, कई योजनाएं कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी है। चौहान ने यह भी बताया कि कमलनाथ सरकार ने किसानों से झूठा वादा किया और अपने वादे से अब मुकर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। कमलनाथ ने बोला कि मेरे भाई का भी कर्ज माफ़ कर दिया है, लेकिन जब मेरे भाई ने आवेदन दिया ही नहीं तो उसका कर्जा माफ़ कैसे हो गया। उन्होंने इस कर्ज माफ़ी योजना को भी एक बड़ा घोटाला बताया। शिवराज सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रहित की सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, सबके विकास और कल्याण में विश्वास रखने वाली मोदी सरकार के पक्ष में मतदान करने की अपील करी। ठिकरी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। बच्चों का मैंने उनकी पूरी फीस भरवाना शुरू किया, इन्हें फीस भरवाना बंद कर दी, ये बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दे रहे। मोबाइल में वोट डाली और भोपाल में बीच में भोपाल में दिग्गी राजा तो जनरेटर ही संग लेके घूम रहे थे चुनाव में, पता नहीं कब बिजली चली जाए। और मेरी बहनों देखो, भैया का राजनी चिमनी निकाल लो, लालटेन के कांच साफ कर लो, फिर से अंधेरा युग आ रहा है कांग्रेस में। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है, बर्दाश्त करेंगे क्या हम? लेकिन जब उनको जेलों में ले जाते हैं तो ये कहते हैं देशद्रोह की धारा खत्म कर देंगे। हम कहना चाहते हैं कांग्रेसियों, जब भारत माता की कोक से चंद जयचंद और वीर जाफर पैदा हुए, मैं उसकी कोक से जन्म लेने वाले उसके करोड़ों करोड़ लाल हैं ये बेटे बेटियां हैं, अगर जरूरत पड़ी तो खून की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन देश के टुकड़े टुकड़े किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन ये कांग्रेस आतंकवादियों से हमदर्दी रखती है, और इसलिए आज मैं कहने आया हूं मेरे बहनों और भाइयों, जो हो गया विधानसभा में हो गया, 800 वोट से ही केवल रहे 800 ना, 932 एक पोलिंग में दो दो मिल जाती तो जीत जा जाते यार। इस बार वैसी गड़बड़ ना हो जाए, मामा रह गए, मोदी जी को नहीं रहना चाहिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। झूठी है और कांग्रेस की मानसिकता बहुत नीच है, और इसलिए अब शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए करते हैं ये लोग। आज राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, उनके एक नेता ने प्रधानमंत्री जी को जो शब्द कहे हैं क्या वो उससे सहमत है? क्या वो उनको पार्टी से निकालेंगे? क्या वो देश से माफी मांगेंगे? पर आज ऐसे बौखला कर कांग्रेस के नेता केवल गालियां देने को उतारू हो गए हैं, ये सिद्ध करता है कि कांग्रेस के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई।